के लिए आज ये मीटिंग रखी थी कि हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि लोग चाहते कि वो ईदगाह में आए, चार पांच लोगों को तो भी एटलीस्ट हमको परमिशन दे, लेकिन अपना नियम ऐसा है और रूल ऐसा है कि आपने देखा होगा कि कल भी एक ऑर्डर आया है उसमें कि रिलीजियस पॉलिटिकल गैदरिंग अलाउड नहीं है। इसलिए हमने उनसे यही विनंती की और सूचना भी दी कि आप जिस तरह से अपने लास्ट दो महीने, आज अपन 60 दिन हो गए लॉकडाउन के, आज तक आपने जिस अच्छी तरह से ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को फॉलो किया है, ईद के दिन में भी वो रूल को फॉलो करें, घर पे ही अपने ईद मनाएं। अगली ईद, अगले साल हम बाहर अगली ईद अच्छे से मनाएंगे। एक बार कोरोना को हमको हराना है, ये हमारा अभी मुख्य ध्येय है। इसलिए और सब लोगों ने भी ये माना है कि वो ईद घर पे ही मनाएंगे। जनरली गाइडलाइन ऐसा है कि पहला पेशेंट आने के बाद 28 दिन के बाद अपन वो कंटेनमेंट एरिया डिकंटेनमेंट करते हैं, तो हमारी उसी के हिसाब से हमारा काम शुरू है। भले ही अब डिकंटेनमेंट ना कर पाए, लेकिन हम वो कंटेनमेंट एरिया एडजस्ट करने का पावर कलेक्टर और कमिश्नर को दिया है। हम बैठेंगे और हम उस हिसाब से हम सोचेंगे, क्योंकि अभी वहाँ का सर्वे भी हो चुका है। अभी वहाँ के 90 और 100 सैंपल लेके सब निगेटिव है, तो अभी हमारा सर्वे भी कम्प्लीट हो चुका है, तो अभी हम उस पर हम विचार करेंगे। सर ये बताइए, सर ये जो अपने 116 बाधित हो गए, इनके कंटिन्यू काउंट क्यों कर रहे हैं सर? जो डेथ हो गई उनको माइनस करो, जो डिस्चार्ज हो गई, इसमें बीपी बढ़ जा रहा दूसरे लोगों का सर? नहीं नहीं, इसमें ऐसा है, जब भी अपना स्टैटिस्टिक होता है तो जिस फॉर्मेट में हम इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जैसे अपने सभी 110 केसेस है उसमें से 6 का देहांत हो चुका है, 51 डिस्चार्ज हो गए और 57 अभी एक्टिव केस है, तो इसलिए अभी हम जो प्रेस नोट हम देते हैं उसमें हम ऐसा ही देते हैं। पहले तक ये था कि डिस्चार्ज नहीं हुए थे इसलिए केसेस था, तो अभी मेरे पास मेरे जिले में हमारे जिले में एक्टिव केसेस 57 ही है, बाकी डिस्चार्ज हो चुके हैं। 57 का फिगर दिए ना सर, थोड़ा नहीं वैसा गवर्नमेंट को काउंट रहता ना कितना हुआ, जैसे अपने भारत का काउंट है अभी की बोलते 1 लाख के ऊपर हो गया तो काउंट तो रहता है ना, उसमें नीचे लिखा रहता है कि डिस्चार्ज कितने हुए। आज से मार्केट ओपन करने को लेकर नई गाइडलाइंस आ रही किस तरह से उसका? नहीं, अभी गाइडलाइंस ऐसी आई कि अपने मैक्सिमम तो अपन ने दुकानें खोल दी थी, बस कपड़ा जूते का था तो उसमें भी अपन ने टाइम दे के खोला है, बट उसमें एक हमने शर्त ऐसी डाली है, जो पहले के जो शर्त थी वो तो सब शर्त रहेगी कि 5 से ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, गर्दी होगी तो हम फाइन करेंगे। इसमें यह है कि मेरे गाइडलाइन में हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के गाइडलाइंस के बाद ऐसे गाइडलाइंस निकाले हैं कि अगर उस दुकान में ज़्यादा गर्दी होती है तो हम वो विचार पुनर्विचार हम उस पर करेंगे। जैसे कोई कपड़े की दुकान में या जूते की दुकान में मेरे गर्दी ज़्यादा दिखी तो मैं फिर से बंद करने की मैं सोच सकता हूँ। नहीं, हमने मैक्सिमम जो हमारे पास मजदूर थे एमपी के यूपी के, हमने उनको कई बसों में और हमने ट्रेन भी अरेंज की थी, वो गई है। अभी कुछ मजदूर है जो बिहार और वेस्ट बंगाल के हैं, उनके लिए भी हम वहाँ के गवर्नमेंट से हम ट्रेन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो आते ही उनको भी हम नियमानुसार सेफली उनके घर भेज देंगे। आज कुल जमाती तहरीक के तमाम ही जिम्मेदारान को कलेक्टर साहब और एसपी साहब की तरफ से बुलाया गया था और एक मीटिंग कॉल की गई थी जिसमें हम तमाम के तमाम लोग शरीक हुए, और शरीक होने के बाद कई चीज़ों के ऊपर तबादले ख्याल किया गया, जिसमें ईद से मुतालिक जो है जो बातें बयान की गई है वो ये है कि ईद जो है तमाम ही अहबाब अपने अपने घरों पर अदा करें और ईद की नमाज़ जो है ईदगाह पर जो है कलेक्टर साहब की तरफ से हमने इजाज़त मांगी कलेक्टर साहब से कि भाई आप जो है तो हमको ईदगाह पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दें, लेकिन उन्होंने जो है तो उसका उज़्र ज़ाहिर किया कि हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, इसके अलावा मस्जिदों में भी नमाज़ पढ़ने की कलेक्टर साहब की तरफ से इजाज़त नहीं मिली है। लिहाजा हम जो है बहुत ही अफसोस के साथ और गम के साथ शहरियान नांदेड़ से अपील करते हैं कि वो तमाम के तमाम जो है इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि इस वक्त में जितने भी इकदामात किए जा रहे हैं वो तमाम के तमाम इकदामात इंसान के अपने तहफ़ से मुतालिक है, उसके अपने जो है तो जान की हिफाजत से मुतालिक है, इसके लिए जितने भी इकदामात कलेक्टर साहब की तरफ से या एसपी साहब की तरफ से किए जा रहे हैं हम उनका पालन कर रहे हैं। इस वक्त में चूँकि हुकूमत की तरफ से जब भी कोई इकदाम किया जाता है तो वो उसके अंदर बहुत सारी पॉलिसियां होती हैं, इस वक्त में जो हुकूमत की पॉलिसी है वो समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुसलमानों को ये चाहिए कि हम बार बार ये अपील करते आ रहे हैं कि ख़रीदी न करें, और फिर अचानक जो है 2 दिन पहले तमाम के तमाम दुकानों को खोलना और तमाम के तमाम दुकानों को खोलकर इजाज़त दे देना, ऐसा महसूस होता है कि आइंदा मीडिया के लिए एक मुद्दा दिया जा रहा है और एक जो है तो हवा खड़े करने का मौके फराहम किए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए से मीडिया जो है एक जो है तो और जिस तरह जो है तो गुज़िश्ता मीडिया ने कोरोना वायरस को तबलीग जमात से जोड़ने की साजिश की और अब जो है एक नया उनको साजिश करने का मौका हाथ आएगा, इसलिए अगर जो है प्रशासन ने इजाज़त भी दिया है तो हम अपील करते हैं कि जैसे अब तक आप लोग रुके हैं, कुल जमाती तहरीक के तमाम जिम्मेदारान आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि इन हालात को समझें, साजिश को समझें और समझकर जो है अपने घरों के अंदर रहें, इसलिए कि आप ईद की ख़रीदी ही अगर करना है तो ईद के बाद भी ख़रीद सकते हैं।